हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन में फटाफट आपसे से थोड़ा सा मार्केट का एक जायजा लेते हैं। खासतौर से हम BTC के यहाँ पे बात करेंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। BTC करंट प्राइस चल रही है 19,800 के आसपास चल रही है। इथीरियम 1,600 के आसपास है, क्योंकि इथीरियम मर्ज जो है उसकी डेट जो है काफ़ी क्लोज आ रही है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी हैं सितंबर मंथ के अंदर, यानी कि फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट जो है उसमें भी अच्छी खासी एक हाइक देखने को मिलेगी, लगभग 75 बेसिस पॉइंट के आसपास। तो उसके ऊपर से भी थोड़ा सा मार्केट डगमगा सकता है। इनफैक्ट पूरा जो ग्लोबल मार्केट है वापस से एक कह सकते हैं बेरिश माहौल के अंदर ही जूझ रहा है। थोड़ा सा एक रेंज बाउंड में चलता है। 3-4 दिन जो होते हैं वो लाल निशान में होता है, फिर कहीं से थोड़ी सी रिलीफ रैली दिखती है। बट वो रिलीफ रैली रैली भी कह सकते हैं कि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते तो एक गैप डाउन से नीचे ओपन होता है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है। खैर, यहाँ पे हम क्रिप्टो की बात करते हैं और चार्ट पे कुछ वापस इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोग को बताने वाला हूँ, ताकि इनकेस अगर आप लोग स्कैल्पिंग का सोच रहे हैं या एक कौन सा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल्स जो होता है वो डेली वाइज थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक हायर लोस बनाते हुए जा रहे हैं, एक हायर हाइज बनते हुए जा रहा है, ठीक है, उस हिसाब से आपके जो लेवल्स हैं वो भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो इस पर हमेशा से ख्याल रखना। ये नहीं है कि अगर हम एक हफ्ते पहले देख रहे थे और हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 19,000 था, लेकिन आज की तारीख में जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 19,600 के आसपास आ चुका है। आगे कंटिन्यू करूँ उससे पहले ये कहूँगा भैया, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्टो के मैदान को देखते हैं। थोड़ा बहुत हरा भरा दिख रहा है, मेरी खासतौर से नज़र इथेरियम पे जा रही है, 1,600 के आसपास चल रहा है। और बट अगेन व्हाट आई फील कि ये छोटे मोटे रेंज बाउंड के अंदर ही चल रहा है, लेकिन चार्ट्स के ऊपर BTC की जो वॉल्यूम देख रहा हूँ मैं, जब से ये 19,000-20,000 के आसपास है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही है। BNB के ऊपर मैं हमेशा नज़र रखता हूँ। जैसे आपको मैं कहता हूँ कि अगर BNB बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में जो माहौल है वो तेज़ी का सोचता है। BNB राइट नाउ 276 है, कोई ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव अभी देखने को नहीं मिल रहा है, बुलिशनेस नहीं है। ओके, अब मैं सीधा आपको यहाँ पे चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं BTP का चार्ट जो है, ये एक 12 आवर का चार्ट है यहाँ पे। ओके, बहुत सिंपल सा चार्ट है और चार्ट पे क्लियर कट आप देख सकते हैं। ये एक बेयर फ्लैग यहाँ पे बना हुआ है, और अगर मैं इस लेवल को यहाँ पे करता हूँ, उससे पहले जो वॉल्यूम है, देखो जिस वॉल्यूम की मैं बात कर रहा था, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे, ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। ओके, देखो उससे पहले मार्केट में वॉल्यूम कुछ नहीं था, लेकिन जब एक ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आया, ठीक है, जो बड़े वेल्स खिलाड़ी होते हैं उनके लिए 1,000-2,000 पॉइंट का मायने नहीं रखता है, उनके लिए एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पे बाई किया जाए। तो ये एक बेयर फ्लैग है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं 12 आवर्स के चार्ट पे। और ये पहला एक सपोर्ट बनाता, सपोर्ट बनाता, सपोर्ट बनाता। सबसे पहले देख सकते हैं जो हमारा एक सपोर्ट लेवल था वो था नियर अबाउट 18,553 के आसपास। उसके बाद से जैसे हायर लोज बना वो हो गया 18,900, फिर अभी हो गया हमारा 19,600 के आसपास। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करता हूँ। ये देखो, इसको हम कहते हैं क्लस्टर ऑफ कैंडल्स, यानी क्लस्टर जोन है। ठीक है, यानी एक और एक एक ही एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक ऊपर नीचे हो रहा है। और इसके अंदर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे इस हिसाब से ये बना हुआ है। इसका रंग हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, लाल निशान करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक बढ़िया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है, ठीक है, बहुत ही नज़ाकत यहाँ पे दिख रही है। सपोर्ट लेवल पे टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, टच कर रहा है, ऊपर आ रहा है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ओके, राइट नाउ कैंडल थोड़ा सा एक हरे भरे निशान के अंदर है, बट स्टिल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये यहाँ से एक ब्रेकआउट ले। ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ लेता है, ठीक है, तो आपको एक नीचे की तरफ एक रैली देखने को मिल सकती है। वो रैली बड़ी खतरनाक हो सकती है और दर्दनाक हो सकती है। ठीक है, बट मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि यार किसी तरह से प्राइस नीचे आ जाए तो हम नीचे वाले रेट पे खरीदेंगे, और जिसने यहाँ पे बाई किया वो यही सोचता होगा यार प्राइस बस अब ऊपर आ जाए। ठीक है, तो मार्केट में दोनों तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक बायर होता है, सेलर होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। ओके, बट अगेन जो कैलकुलेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द पोल, पोल की जो हाइट होती है वो लेके हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो अगेन क्रिटिकल पॉइंट इज 19,600 के आसपास। ओके, और अगर ये सिमेट्रिक ट्रायंगल से ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मैं कहूंगा कि प्रीवियस जो एक हाई था इसका
20,000 से थोड़ा ऊपर जाने दो, और तो फिर वहाँ से आप एक क्विक स्कैल्पिंग कर सकते हो 22,000 के आसपास तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रेंज पे। दिस इज द मिड जोन, ठीक है। ऊपर जाने के लिए पहले ये जो मिड जोन है इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके अगेन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पे। अब दूसरा एक और चार्ट है वो आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, और ये 4 आवर्स का चार्ट है, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं ताकि ट्रेडिंग में और हमें एक डिटेल्स मालूम पड़े। आप यहाँ पे देखिए अगेन ये एक फॉल हुआ है, और ये जो फ्लैग है इसमें जो ये जो पार्ट है इट इज़ कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल, कंसोलिडेशन चल रहा है। जितना ज़्यादा ये लंबा होगा उतना ज़्यादा ये ऊपर या नीचे की तरफ फूट सकता है। राइट नाउ जो प्रेशर है बार बार नीचे की तरफ आप देख सकते हैं हिट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मरतबा नीचे की तरफ हिट किया है, और ऊपर लगभग कह सकते हैं 3 मरतबे आसपास किया है। तो प्राइस राइट नाउ यहाँ पे है, अगेन ये जो लेवल है 19,600 से लेके 19,500 के आसपास पकड़ सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। इफ इट ब्रेक्स हम प्राइस को एक नीचे देख सकते हैं, वापस से 18,000 से नीचे देख सकते हैं अगर 19,000 का सपोर्ट लेवल भी टूटा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं चार्ट के ऊपर देन ओनली आप ट्रेड करो, अदरवाइज यू शुड ऑलवेज वेट फॉर द ब्रेकआउट्स, चाहे ऊपर की तरफ है चाहे नीचे की तरफ है, ठीक है। जब एक ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुल तभी आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे खड़ी कीजिए। अभी अदरवाइज अभी आपको देखिएगा कि जो प्राइस है वापस से 20,000 के आसपास आ रहा है, आपको लगेगा ऊपर जा रहा है, 20,000 के आसपास आपने एंट्री ले ली, ठीक है, फटाक से प्राइस वापस से 19,100 के आसपास आ जाएगा, ओके। सो वो जो रहता है ना वो टेंशन वाली चीज़ होती है, उसमें आप मत करो, ओके। बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल उनके पास वक्त की कमी होती है, वो कंटिन्यूस बैठ नहीं सकते चार्ट्स के ऊपर, और वो TA के अंदर और ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, ओके। सो बेटर ये है आप हमेशा एक ब्रेकआउट का वेट करो, और ब्रेकआउट जो सही ब्रेकआउट मिलता है वहाँ पे जब एंट्री होती है तो एक लंबा प्रॉफिट हमें बहुत ज़बरदस्त मिलता है, ठीक है। तो दिस वॉज ए क्विक अपडेट ऑन BTC, और ज़्यादा कुछ इसे बताने के लिए नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके लिए यहीं पे वीडियो वाइंड अप करता हूँ, और ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर अफकोर्स नज़र बनी हुई है, पहले भी आप लोग ऑल्ट कॉइन मैंने बताए थे, और अब नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी डेट विल बी प्योरली ओन ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स का हम अच्छा खासा एक SIP लिस्ट करेंगे, किस किस ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें एंट्री लेनी है, ओके, और कितना हम उसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं मार्केट के अंदर जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, बट वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।